नमस्ते, जय श्री राधे कृष्णा। आज बनाएंगे हरीरा। तो सबसे पहले 150 ml पानी डालेंगे। 150 ग्राम मैंने खजूर ली है जिसके बीज निकले हुए हैं, और पानी में इसको मेल्ट करेंगे। आप खजूर की जगह गुड़ भी ले सकते हैं, और इसको चम्मच से चला देंगे। खजूर HB बढ़ाती है। डिलीवरी के बाद लेडीजों में ब्लड की कमी हो जाती है, तो ये उसमें खजूर बहुत ही फायदा करती है। हरीरा न्यू बॉर्न बेबी की मदर को दिया जाता है। खाने को तो इसको कोई भी खा सकता है, लेकिन ये डिलीवरी वाली लेडीज को ज्यादा फायदा करता है। अब इसको मेल्ट होने तक उबालेंगे। खजूर मेल्ट होता है तब तक हम ड्राई फ्रूट को तलते हैं। अब गरम पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी। इसमें डालेंगे मखाने। मखाने मैंने 15 ग्राम लिए हैं, जिनको छोटा छोटा काट रखा है, और धीमे गैस पर इनको हल्का सा भूनेंगे। अब मखाने भून चुके हैं, इसको निकाल लेंगे। ये 20 ग्राम लिए अखरोट। अखरोट को घी में डालेंगे। काजू, बादाम, सबको हल्का सा भूनेंगे। तीनों चीज मैंने 20-20 ग्राम ली हैं, और इनको धीमे गैस पर ही भूनेंगे। ये कटे हुए पिस्ता, इनको भी सेकेंगे। अब 2 चम्मच लिए हैं मगद। मगद को भी इसी में डाल देंगे। मगद चटकने लगे हैं, अब इसी में डाल देंगे ग्रेट किया हुआ नारियल। ये सूखा नारियल है, और इसको हल्का सा भूनेंगे। इसी में डाल देंगे किशमिश। इसमें 1/2 चम्मच घी और डाल देंगे, क्योंकि घी कम हो गया है। सारे ड्राई फ्रूट भुन चुके हैं, इनको भी प्लेट में निकालेंगे। थोड़ा सा घी डालेंगे। 1/2 चम्मच डालेंगे जीरा। 1/4 चम्मच अजवाइन। 1/4 चम्मच हल्दी। 1/2 चम्मच सौंठ पाउडर। अब सबको भूनेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब इसमें डालेंगे उबला हुआ खजूर, और खजूर को इस तरह से मैश कर देंगे। आजकल लेडी हरीरा खाना पसंद नहीं करती हैं। हरीरा बहुत ही हेल्दी होता है। ये अंदर की कमजोरी को भी दूर करता है, और जिन औरतों का पेट निकल जाता है तो वो पेट भी नहीं निकलता है। डिलीवरी के बाद HB कम हो जाता है, तो ये हरीरा HB को भी बढ़ाता है। अभी इस तरह से मैश कर देंगे। हरीरा में सभी चीजें हेल्दी हैं। दवाई खाने से तो अच्छा हरीरा खा लें। अगर आप हरीरा ज़्यादा नहीं खा सकते तो 4 चम्मच खा लें। रोज नहीं खा सकते तो 4th-5th दिन खा लें। तो दवाइयों से तो बचेंगे ही, और दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसके अंदर सभी चीज़ें, जैसे अजवाइन है, अजवाइन का पानी भी पीते हैं, तो अजवाइन का पानी पीने से पेट नहीं निकलता है। हल्दी है, हल्दी शरीर को स्वस्थ रखती है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। अब ये खजूर से गाढ़ा ज़्यादा हो गया है, इसमें 100 ml पानी और डाल देंगे, और इसको उबालेंगे। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल लें, क्योंकि खजूर डालने से ये हल्का मीठा रहता है। अब गुड़ को मेल्ट होने देंगे। अब इसमें उबाल आ गया है, इसको अच्छे से उबाल लें। अब इसमें डालेंगे फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट। आप चाहें तो टेस्ट के लिए इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। आप सबको मिक्स करेंगे। आप ये हरीरा बना करके रख लें, 8-10 दिन तक खा सकते हैं। फ्रिज में डिब्बे में भर करके रख दें, और जब भी खाएं तो गर्म करके ही खाएं। सर्दियों में ये बहुत ही फायदा करता है। अब ये बनके तैयार हो गया। अब गैस बंद करेंगे और इसको दूसरे बर्तन में डालेंगे। अब पैन में डालेंगे 1 चम्मच घी। घी गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे कटे हुए पिस्ता,
अब घी अच्छे से गर्म हो गया है, पिस्ता भी इसमें सिक गए हैं। गैस बंद करेंगे और इसको हरीरा के ऊपर से डालेंगे इस तरह से। अब गर्मा गर्म हरीरा बन करके तैयार है। आपको मेरा हरीरा का वीडियो पसंद आया हो तो आप एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।